चैप्टर वन रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज थ्री एग्जाम्पल नंबर लेट एफ टू थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव नाइन इसको ए ले लो और इसको बी ले लो ठीक है और आप देखो ये दोनों सेम है इसको बी रख लो और इसको सी रख लो तो लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ टू इक्वल टू थ्री एफ 3 थ्रीवल टू थ्री एफ ओ फोर इक्वल टू फाइव ऐसी ये दिए हुए हैं। हमें फाइंड करना है गॉफ देखो गॉफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें ना इसकी डोमेन और रेंज डोमेन और को डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको देखो मैंने आपको बताया था अगर एफ ए टू बी है ठीक है और जी देखो यहां पे यही दिया हुआ एफ ए टू बी और जी बी टू सी जी क्या है बी टू सी एफ हो गया ए टू बी जी हो गया बी टू सी तो गॉफ क्या बताया था मैंने आपको गॉफ होता है ए टू सी ठीक है जिसको गॉफ के बारे में पढ़ना है अच्छे से वो एक बार इसकी एक्सरसाइज देख लेना उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है तो गॉफ की गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है ए टू सी तो ए देखो क्या यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव और सी है हमारा सेवन एलेवन फिफ्टीन अगर आपको फॉग भी पूछ लेना जरूरी नहीं है गॉफ पूछा तो फॉग भी आ सकता है अगर फॉग पूछेगा तो उसके लिए आपने लिखना है सी टू ए ठीक है ये जरूरी है इससे आपको ये पता चलेगा डोमेन और कोडोमेन क्या अब आपने क्या करना है एक एक एलिमेंट यहां से उठाना है जैसे गॉफ ऑफ टू पहले टू लेंगे फिर थ्री लेंगे फिर फोर लेंगे फिर फाइव लेंगे सबकी हम वैल्यूज निकालेंगे देखो मैंने आपको यह भी बताया था गॉफ ऑफ एक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना ये इसकी डेफिनेशन होती है तो गो ऑफ एक्स को कैसा लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स है यहां पे एफ एक्स है टू तो बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ टू तो एफ ऑफ टू की वैल्यू देखो कितनी है एफ ऑफ टू है थ्री ठीक है एफ ऑफ टू की जगह हमने लिख दिया थ्री तो बन गया जी ऑफ थ्री और जी ऑफ थ्री की वैल्यू देखो क्या है सेवन तो ये निकल गई हमारी गो ऑफ ऑफ टू इसी तरह अब हम गॉफ ऑफ थ्री निकालेंगे इसको लिखो जी इस पे लगाओ डेफिनेशन एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ थ्री की वैल्यू देखो क्या एफ ऑफ थ्री है थ्री है, है ना तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी ये बन गया जी ऑफ थ्री जी ऑफ थ्री की वैल्यू देखो क्या जी ऑफ थ्री की वैल्यू फिट से सेवन अब इसी तरह हम नेक्स्ट लेंगे गॉफ ऑफ फोर गो फो फोर को लिखो जी ऑफ एफ ऑफ फोर एफ ऑफ फोर की वैल्यू यहां पे डालो एफ ऑफ फोर की वैल्यू फाइव अब यहां पे पर ऑफ फाइव की वैल्यू डालो ऑफ फाइव की वैल्यू देखो क्या है इलेवन ठीक है अब लास्ट बचा फाइव गो ऑफ फाइव इसको लिखो जी ऑफ एफ ऑफ फाइव और एफ ऑफ फाइव की वैल्यू देखो क्या है एफ ऑफ फाइव की वैल्यू इलेवन तो जियो नहीं 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 गलत डाल दी ना एफ ऑफ फाइव की वैल्यू एफ ऑफ फाइव की वैल्यू यहां पे ना मैंने एफ ऑफ फाइव की वैल्यू क्वेश्चन से क्वेश्चन में नहीं उतारी अच्छे से ठीक कर लो इसको यहां दिया हुआ क्वेश्चन में एफ ऑफ फोर इक्वल टू एफ ओ फाइव इक्वल टू फाइव तो एफ ऑफ फाइव की वैल्यू फाइव है तो फिर क्या बचा ऑफ फाइव जी ऑफ फाइव की वैल्यू इलेवन तो यहां पे एंड में लिख दो गॉफ के आ गया हमारे पास देखो हमने क्या लिया था टू लिया था तो आंसर आया टू सेवन यहां लिखते हैं यहां आ जाएगा इसके लिए मैंने स्पेस ही कम छोड़ी है टू सेवन फिर नेक्स्ट थ्री सेवन अगला क्या आएगा थ्री सेवन फोर इलेवन और फिर फाइव इलेवन ये निकल गया हमारा गॉफ ये होगी हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन है एग्जाम्पल सिक्सटीन में देखो क्या दिया फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ आर टू आर जी आर टू आर आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क् शोड शो डैट गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग देखो क्या करेंगे सबसे पहले इसकी डोमेन और कोडोमेन निकाल लो देखो ये सारे आर टू आर ही दिए हुए हैं तो गॉफ भी आर टू आर हो जाएगा और फॉग भी फॉग भी आ जाएगा अब हमें फाइंड करना गॉफ तो गॉफ की डेफिनेशन लगाओ इसको लिखो गॉफ ऑफ एक्स देखो क्या डेफिनेशन बताई थी गॉफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अब यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो क्या दिया है कॉस एक्स यहां एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं कॉस एक्स ठीक है अब जीओ कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है अब मेरी बात ध्यान से सुनना जी ओफ एक्स दिया हुआ थ्री एक्स स्क्वायर अगर मैं आपको बोलू जिय वन निकालो तो आप क्या करोगे एक्स की जगह वन रिप्लेस करोगे अगर मैं बोलूं टू निकालो तो क्या करोगे एक्स की जगह टू रिप्लेस करोगे अगर बोलूं जीरो निकालो तो x की जगह जीरो रिप्लेस करोगे अगर बोलूं g ऑफ cos x निकालो तो क्या करोगे x की जगह cos x रिप्लेस करोगे है ना तो यही तो चाहिए था तो g ऑफ cos x हो जाएगा थ्री cos x का होल स्क्वायर जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो थ्री स्क्वायर x। ये आ गया हमारा गॉफ ऑफ x। अब नेक्स्ट निकालना है फॉग फॉग के लिए क्या करना है इस पे डेफिनेशन लगाओ देखो फॉग एक्स की डेफिनेशन होती है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अब यहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखो क्या थ्री एक्सर ठीक है अब क्या करना है देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ हुआ है? F of X दिया है दिया अगर मैं आपको बोलू एफ ऑफ जीरो निकालो तो आप क्या करोगे एक्स की जगह जीरो डालोगे अगर मैं बोलू एफ ऑफ एच निकालो तो क्या करोगे x की जगह h h डालोगे अगर मैं बोलूँ थ्री एक्स स्क्वेयर निकालो तो क्या करोगे x की जगह थ्री एक्स स्क्र डालोगे है ना तो ये बनेगा एफ ऑफ थ्री एक्स स्क्र की वैल्यू कॉस थ्री एक्स स्क्र ये आ गया हमारा फॉग तो इसने बोला था ये साइड में कर लेना ये मत लिखना ये रफ है अब इसने बोला था शो डैट गॉफ इज़ नॉट इक्वल टू फॉग देखो दोनों बराबर है ही नहीं है ना गॉफ और फॉग बराबर ही नहीं है तो क्लियरली गो ऑफ इज नॉट इक्वल टू फॉक तो ये होगी एग्जाम्पल सिक्सटीन कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर सेवनटीन है हमारे पास शो डैट इफ आर इफ एफ आर टू माइनस सेवन बाय फाइव इसका मतलब होता है कि सेवन बाय फाइव को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर टू आर माइनस थ्री बाय फाइव इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस

फॉग को आई ए के इक्वल प्रूफ करना आई ए का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन हो गया कि आई ऑफ ए एक्स इक्वल टू एक्स ठीक है तो हमें प्रूफ करना है कि फॉग इक्वल टू आई ऑफ ए तो इसके लिए हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आना चाहिए अगर हम यह प्रूफ कर देते हैं कि फॉग इक्वल टू एक्स आ जाए तो यह प्रूफ हो जाएगा ठीक है तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले फॉग एक्स निकालते हैं इसको कैसे लिखेंगे डेफिनेशन लगाओ इस पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अब यहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू डालो जी एक्स जी एक्स की वैल्यू है सेवन एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स माइनस थ्री अब हमें निकालनी है एफ ऑफ इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे ये ध्यान से समझना ये हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे फिर भी मैं कोशिश पूरी करूंगा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स माइनस सेवन ठीक है अब देखो अगर मैं बोलूं एफ ऑफ वन निकालो तो आप क्या करोगे एक्स की जगह दोनों जगह वन रिप्लेस कर दोगे यही करोगे ना अगर मैं बोलू एफ ऑफ टू निकालो तो आप क्या करोगे इन दोनों एक्स की जगह टू रिप्लेस कर दोगे अगर मैं बोलू एफ ऑफ एच निकालो तो आप क्या करोगे इन दोनों x की जगह h रिप्लेस करोगे ठीक है अब ध्यान से सुनो ये ऐसे ऐसे नहीं समझ आएगी अगर ये समझ आ गया तो वो समझ आ जाएगा अब हमें सेवन एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स माइनस थ्री आपने क्या करना है कुछ भी नहीं करना इस जैसे देखो मैं बोल रहा था वन निकालो तो आपने क्या, क्या किया दोनों जगह वन रिप्लेस किया टू बोला दोनों जगह टू रिप्लेस किया एच बोला दोनों जगह एच रिप्लेस किया अगर ये बोलूंगा तो इन दोनों एक्स की जगह ये रिप्लेस करना है समझ आई मेरी बात देखो थ्री एक्स की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करनी है सेवन एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स माइनस थ्री फिर प्लस फोर फिर फाइव फिर ब्रैकेट और फिर माइनस सेवन और इस x की जगह आपको ये रिप्लेस करना है सेवन एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स माइनस थ्री समझ आया देखो सेम लिखा है आप ब्रैकेट में देखो ब्रैकेट में x की वैल्यू डाली है x की जगह ये लिखा है बाकी सारा सेम तीन चार थ्री फोर फाइव सेवन ठीक है अब इसको सॉल्व करके आंसर x आना चाहिए अगर आंसर x आ गया तो प्रूफ हो जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करो इनका एलसीएम लो या मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर लो एलसीएम भी ले लेते हैं फाइव एक्स माइनस थ्री एलसीएम आएगा ठीक है ये थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन एक्स थ्री फोर जॉ ट्वेल्व इसके नीचे वन लगा दो ये इधर मल्टीप्लाई करना है ठीक है फोर को इन दोनों से करो फोर फाइव जा ट्वेंटी एक्स फोर थ्री जा ट्वेल्व इसी तरह नीचे भी अब एल्शियम लो ये एल्शियम इधर आएगा फाइव एक्स माइनस थ्री फाइव से मल्टीप्लाई इसके नीचे वन लगा लो फाइव 7 थर्टी फाइव एक्स फाइव फोर जा ट्वेंटी अब सेवन को इन दोनों से फाइव 7 माइनस थर्टी फाइव एक्स फिर माइनस थ्री को इन दोनों से माइनस माइनस प्लस सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन यहां तक समझ आई ये और ये कैंसल फिर देखो ये ट्वेल्व ट्वेल्व कैंसल ये और ये कैंसल तो क्या बचा ट्वेंटी वन एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स कितना होता है फोर्टी वन एक्स अपॉन क्या बचा ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी वन फोर्टी वन ये और ये कैंसल तो इसका मतलब फॉग आ गया x के बराबर और हम फॉक इसको क्या लिख सकते हैं फॉग आई ए है ना क्यों क्योंकि मैंने बताया आइडेंटिटी मैप x के बराबर होता है ठीक है ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन में हमें गॉफ को प्रूफ करना है आई बी के आई बी होता है मतलब ये भी आइडेंटिटी मैप होता है गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसमें भी हमें एक्स लाना है ठीक है ये वाला एक्स जो है ना वो ए में होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए और ये एक्स बी में होगा अब हम निकालेंगे गॉफ ऑफ एक्स गॉफ एक्स को लिखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अब यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या देखो यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स माइनस सेवन थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स माइनस सेवन ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना ये भी दोबारा समझाना पड़ेगा आपको वरना आपको नहीं पता चलेगा ठीक है अब हमें निकाल हमारे पास जीओ एक्स देखो क्या दिया हुआ आप क्वेश्चन में चेक करो जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं आपको जी ऑफ़ वन निकालो तो आप क्या करोगे दोनों जगह एक्स की जगह वन डालोगे यही करोगे है ना अगर मैं बोलूं जी ऑफ एच निकालो तो आप क्या करोगे दोनों एक्स की जगह एच लिखोगे ठीक है अगर मैं बोलूं जी ऑफ ये निकालो तो आपने क्या करना है इन दोनों एक्स की जगह ये वैल्यू लिखनी है ठीक है देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे सेवन ये ब्रैकेट रख रहा हूं ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू लिखेंगे प्लस फोर अपॉन फाइव फिर ब्रैकेट में ब्रैकेट रख रहा हूं एक्स माइनस थ्री ठीक है देखो ये जो मैंने ब्रैकेट खाली छोड़ी इनमें आपको ये वैल्यू लिखनी है थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स माइनस सेवन थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स माइनस सेवन इसको सॉल्व करो और ये भी एक्स आ गया तो प्रूफ हो जाएगा क्या करो इसका एलसीएम लो एलसीएम आएगा इसका फाइव एक्स माइनस सेवन इसके नीचे वन रख लो ठीक है इसको इससे मल्टीप्लाई सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन एक्स सेवन फोर जार ट्वेंटी एट प्लस अब फोर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो ये पूरी टर्म इधर आएगी ना फोर फाइव जॉ ट्वेंटी एक्स फोर सेवन जा ट्वेंटी एट अब यहां पर इसका भी एलसीएम फाइव एक्स माइनस सेवन एलसीएम में आ जाएगा इसके नीचे वन रख लो फाइव से मल्टीप्लाई फाइव थ्री फिफ्टीन एक्स फाइव फोर जा ट्वेंटी अब इसको थ्री से मल्टीप्लाई माइनस थ्री फाइव ज माइनस फिफ्टीन एक्स और माइनस थ्री को इससे करोगे माइनस माइनस प्लस सेवन थ्री ज ट्वेंटी वन ये टर्म और ये टर्म कैंसिल है ना देखो ऊपर क्या कैंसिल हो रही है ये और ये कैंसिल नीचे ये और ये कैंसिल क्या बचा ट्वेंटी वन एक्स प्लस फोर्टी एक्स फोर्टी वन एक्स ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी वन फोर्टी वन ये और ये कैंसिल हो गया तो पीछे बचा x, तो गॉफ ऑफ x आ गया x के बराबर मतलब ये क्या हो गया गॉफ ऑफ इक्वल टू आई बी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल सेवनटीन का प्रूफ एग्जाम्पल नंबर एटीन है हमारे पास शो डैट इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर वन वन देन गॉफ ए टू सी इज ऑल्सो वन वन देखो क्या कहता है एफ और जी दोनों वन वन दिए हुए हमें शो करना कि गॉफ भी वन वन होना चाहिए ठीक है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन ये बड़ा ही आसान है गिवन एफ एन जी आर बोथ वन वन हमें शो करना है कि गॉफ जो है वन वन होना चाहिए देखो वन वन का क्राइटेरिया क्या होता है वन वन में हमें यह प्रूफ करना होता है अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो प्रूफ करो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए ठीक है तो देखो कैसे करेंगे इसमें हम क्या लेंगे दो एलिमेंट लो सबसे पहले x और y। लेट एक्स वाई किसमें लेना डोमेन में बिलोंग्स टू ए अब आपको लिखना है देखो जैसे यहां लिखा ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई यहां पर एफ जो है ना वो गॉफ है तो आपको लिखना है गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू गॉफ ऑफ वाई ठीक है इसको आपको प्रूफ करने के लिए आपको ये प्रूफ करना है एक्स इक्वल टू वाई अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो कि एक्स और वाई बराबर है तो ये प्रूफ हो जाएगा गॉफ वन वन है तो गॉफ की डेफिनेशन लगाओ इसको कैसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ आई ठीक है अब देखो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि जी वन वन है।, है ना देखो अगर जी वन वन हो सुनना ध्यान से अगर जी क्या हो वन वन तो हमारे पास हो जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई अगर वन वन है ठीक है अब आप इसको ना एक्स पढ़ो और इसको वाई पढ़ो जी ऑफ एक्स जी ऑफ वाई अगर गो वन है वन वन है तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई तो ये एक्स पढ़ना है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई समझ आया ये स्टेप बिकॉज इसके लिए लिखना है जी इज वन वन देखो ना मेरी बात दोबारा सुनो अगर नहीं पता चला इसको एक्स पढ़ो और इसको वाई पढ़ो जी है वन वन तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई को हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई तो ये एक्स था मैंने एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दिया इसको वाई पढ़ा था और ये एफ ऑफ वाई लिख दिया अब देखो एफ ऑफ एफ भी वन वन दिया हुआ तो अगर एफ वन वन हो अगर एफ क्या हो वन वन तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई x इक्वल टू वाई अब एफ वन वन है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई के बराबर तो हो गया प्रूफ तो हम यहां लिखेंगे गो इज वन वन समझ आया आपको ठीक है ये होगी हमारी एग्जाम्पल एटीन कंप्लीट अब आ जाओ एग्जाम्पल नाइनटीन पे एग्जाम्पल नाइनटीन देखो क्या दिया शो डैट इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर ऑन टू देन गॉफ ए टू सी इज ऑल्सो ऑन टू देखो हमारे पास दिया हुआ है एफ ए टू भी एफ ऑन टू है और जी बी ऑन टू है हमें गॉफ को ऑन टू प्रूफ करना है तो देखो ऑन टू क्या होता है ये तो मैंने आपको वैसे बड़ा ज्यादा पढ़ा भी दिया कल भी बताया था मैंने आपको ऑन टू होता है अगर हम अगर एफ ऑन टू है ना तो हम एफ ऑफ एक्स को वाई लिख सकते हैं अगर ऑन टू है मतलब इसमें ये अपनी रेंज और को बराबर होती है ठीक है तो आप फिलहाल इतनी सी बात याद रखो बाकी चीजें छोड़ दो अगर ऑन टू है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है अब हमें प्रूफ करना है गॉफ ऑन टू ठीक है तो गोफ ऑन टू देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसमें हम एक्स ले लेंगे बी में वाई ले लेंगे बी में वाई ले लेंगे और सी में जेड ले लेंगे तो गॉफ देखो ए टू सी है तो ए में हमने क्या एलिमेंट लिया एक्स और सी में हमने क्या एलिमेंट लिया जेड तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू जेड तो ये प्रूफ हो जाएगा गॉफ ऑन टू है ठीक है तो देखो कैसे करेंगे लेट करते हैं सबसे पहले एक एलिमेंट लो ए में लेट एक्स बिलोंग्स टू ए या ऐसे लिखो स्टार्ट ऐसे करो गिवन एफ इज ऑन टू गिवन एफ इज ऑन टू तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट इसको क्या बोलते हैं देयर एग्जिस्ट उल्टे ई e को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट वाई किस में लेंगे बी में वाई बिलोंग्स टू बी सच डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ठीक है इसी तरह ऑन टू के लिए भी लेंगे हम गिवन एफ इज ऑन टू अब एफ नहीं अब जी सॉरी जी इज ऑन टू तो हम बी में कौन सा एलिमेंट लेंगे वाई लेट वाई बिलोंग्स टू बी देर एग्जिस्ट सी में कौन सा एलिमेंट लेंगे जेड जेड बिलोंग्स टू सी सच डेट जी ऑफ वाई इक्वल टू जेड ठीक है अब हमें यह चीज प्रूफ करनी है तो हम क्या करते हैं LHS लेते हैं यहां से हम सिर्फ लेंगे गॉफ ऑफ एक्स और इसको प्रूफ करेंगे जेड के इक्वल अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं गॉफ ऑफ एक्स जेड के बराबर तो हमारा प्रूफ हो जाएगा तो देखो गॉफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन लगाओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो क्या वाई और जी ऑफ वाई की वैल्यू जेड कर दिया प्रूफ गॉफ ऑफ एक्स लिया था और इसको जेड प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब हैंस गॉफ ए टू सी इज ऑन टू ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 19 का प्रूफ